हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम जा रहे हैं भोपाल से 350 किलोमीटर दूर ओरछा मध्य प्रदेश में, और वहीं से हम जाएंगे झांसी, झांसी की रानी का किला देखेंगे। तो आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलने वाले हैं, 4-5 ब्लॉग हम बनाएंगे कंटिन्यू, जिसमें हम राम राजा सरकार का मंदिर का ब्लॉग बनाएंगे, ओरछा फोर्ट जो है ओरछा का किले का ब्लॉग बनाएंगे, और हरदौल का जो चबूतरा है वहाँ पे जाएंगे हम लोग, और उसके बाद जाएंगे हम लोग झांसी उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होने वाले हैं, और अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी और सारी पैकिंग हो गई है, तो यहाँ से बस हम निकलने ही वाले हैं। और सुबह के बजे हैं 6:30, तो हमारा टारगेट है 7 बजे तक हम लोग निकल जाएं, क्योंकि 8 से 9 घंटे का सफ़र है, कार से हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और कंटिन्यू आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, घर बैठे ही आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हम बनाने वाले हैं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सुबह का टाइम है और कितना बढ़िया मौसम है हमारे यहाँ। क्या और ओस अभी गिर रही है, धूप सही से निकली नहीं है अभी, और सूरज भी नहीं निकला है अभी। तो 6:30 बजे सुबह के मॉर्निंग के, अभी मैं हूँ छत पर, तो और काफ़ी ठंड है सुबह सुबह, और हमने नहा लिया है क्योंकि मंदिर जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा घर से ही नहा के चलते हैं, लेट हो जाएंगे, 3 से 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो इस ब्लॉग को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे, तैयारी का ब्लॉग है, हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे और सारी सामान की पैकिंग वगैरह हो रही है वो दिखाएंगे, और उसके बाद में हम सेपरेट ब्लॉग डालेंगे दोस्तों, ओरछा फोर्ट का अलग ब्लॉग डालेंगे, राम राजा मंदिर का अलग डालेंगे, झांसी की जो रानी का जो किला है उसका अलग ब्लॉग डालेंगे, क्योंकि एक ब्लॉग में अगर हम कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो और फिर ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है दोस्तों, इसलिए इस ब्लॉग को भी हम 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अभी हम निकलते हैं, नीचे की पैकिंग आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये हमारे बड़े भैया हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो गए हैं, और मम्मी उधर नहा रही हैं, तो उसका थोड़ा सामान की पैकिंग हो जाए उसके बाद फिर निकलते हैं दोस्तों। तो अभी आपको दिखाते हैं हमारी पैकिंग क्या क्या हो रही है। तो दोस्तों अभी हमने ये रख लिए 15 लीटर की हमारी पानी की टंकी, क्योंकि पानी की अलग अलग जगह पीते हैं, सर्दी हर्दी की दिक्कत रहती है, और ये हमने बॉटलें रख ली हैं पानी की, और अभी बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए श्रेयस सो रहा है, तानवी भी सो रही है, और अभी 7 बजने वाला है, जल्दी से निकलना है, सामान की पैकिंग वगैरह हो गई है, और ये लोग वहीं मामा के यहाँ रुक जाएंगे श्रेयस, और हम लोग आ जाएंगे वापस। तो अभी कितना टाइम लग रहा है, तो बस ये लोग रेडी हो जाए उसके बाद फिर हम आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके रख लिए थे रास्ते के लिए, गाजर, ककड़ी, और ये अंगूर, बनाना, और हमने ये बना लिया है यहाँ ले जाने के लिए नाश्ते में, चावल फ्राई करवा लिए हैं, रायता बनवा लिया है, और सब्जी और पूड़ी, तो इतना हमने बनवा लिया है। इस झोले में हमने नमकीन और प्लेट्स वगैरह रख लिए दोस्तों, ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं आए, और अभी चलते हैं दोस्तों, और आगे का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और फ्रिज में कुछ ऐसा है नहीं, तो ये है देखिए मक्खन,
और मक्खन भी पूरा फुल भर गया है, ये देखिए। तो इसको बंद करते हैं और अभी मम्मी को देख लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। दोस्तों ये आ गए हैं सागर, हमारे भतीजे कम कैमरामैन, सारे वीडियो ही शूट करते हैं, ये थोड़ा लेट हो रहे थे इसलिए हाय बोल दो। इसलिए हमने वीडियो शूट किए, अभी रेडी होते हैं और आगे के ब्लॉग भी यही शूट करेंगे। तो मम्मी को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मम्मी भी रेडी हो गई हैं, नहा लिया उन्होंने, मनाली आ गई है और माई बहाने की मशीन ये वाली मशीन लेने आई है वो। तो अभी 7 बज गए, हम लोग निकलेंगे, दवाई खा लो जल्दी और ये पैक कर लो, तो चलते हैं फिर और फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो मैं खा रहा हूँ अंगूर, अभी खा लीजिए। तो दोस्तों अभी सामान रखते हैं गाड़ी में। दोस्तों सामान हमारा हो गया पैक, गाड़ी भर गई है पूरी, क्योंकि बैग पड़ा है और हम लोग का मोबाइल रेडी है और टाइम भी काफ़ी हो गया, 7:30 बज गए हैं। तो निकलेंगे थोड़ी देर से और अभी सब पूरा रेडी हो गया है और आगे से काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आगे का मज़ा आएगा आपको। हम इस सीरीज में बनाएंगे 4 से 5 ब्लॉग और सेपरेट ब्लॉग डालेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे झांसी फोर्ट, झांसी की रानी के किला दिखाएंगे आपको और उत्तर प्रदेश हम जाएंगे और फिर आएंगे शाम को घर। तो 2-3 दिन का ट्रिप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं। इसलिए जिस फ्रेंड ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही आपको मजा आने वाला है दोस्तों। और इस ब्लॉग को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर करिए ताकि उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिल सके। तो दोस्तों अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर से और ये जो इस ब्लॉग को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये हमारी तैयारी का ब्लॉग था, इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे और उसके बाद में फिर हम चलेंगे अगले ब्लॉग आपको दिखाएंगे। और अभी हमने डीजल मीटर की फिलिंग करवा ली है तो आपको मीटर दिखाते हैं दोस्तों वीडियो को पोस्ट। तो फ्रेंड देखिए हमारी टंकी हमने फुल कर ली है 45 लीटर और गाड़ी चलेगी 800 से 900 किलोमीटर। तो एक बिटारा ब्रिज है हमारे पास, तो इसका एवरेज भी हम आपको बताएंगे क्या एवरेज निकला है गाड़ी का। और इसको चलाएंगे हम विदाउट एसी क्योंकि ठंडा मौसम है और कितना एवरेज निकलता है गाड़ी का और ये एक टंकी में लोड क्या पाते हैं नहीं आ पाते हैं, तो वो सारी आपको डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी हमने सब पूरा रेडी कर लिया है, गाड़ी के पहिए वहिए में सब हवा हवा सब चेक करवा ली है, पूरा कंप्लीट कर लिया ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं आए। हमारे पास एक एयर इन्फिलेटर भी है और एक एयर इन्फिलेटर है जिससे कि हमें अगर जरूरत लगेगी तो हवा भर लेंगे उसी से। तो अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं दोस्तों और इसको यहीं ख़त्म करते हैं और हम निकलते हैं ओरछा के ट्रिप पर। उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे दूसरे ब्लॉग में ओरछा फोर्ट, ओरछा रामराय सरकार का मंदिर और हरदौल का चबूतरा। तो बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल डालेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।